ये वाला प्रॉब्लम आप लोग का हो गया था क्या? प्रॉब्लम नंबर 30 प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन था क्या कुछ? लास्ट डिस्कशन आप लोग का क्या हो गया था? पीएफ वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिया था, फिर रह गया था ये वाला प्रॉब्लम। ये आप लोग को देख के आना था, इसमें भी क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रिटायरमेंट का था क्या कह रहा है? ग्रेच्युटी डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन ये भी डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आप लोगों को कुछ आता है तो एक बार फिर से बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या मिल रहा है? रिलीफ। रिलीफ का सेक्शन अभी हम लोगों को सैलरी में थोड़ा बच गया है। रिलीफ आप लोगों का सैलरी वाला चैप्टर में है या नहीं? ठीक, रिलीफ का भी डिस्कशन अभी फटाफट खत्म करते हैं। जैसे आपको क्या मिल रहा था? रिबेट मिल रहा था। रिबेट अंडर सेक्शन कितना था? 87 ए था। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? रिलीफ। रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिबेट में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, रिलीफ में अभी क्या आ जाता है? रिलीफ में अगर आपको क्या बोला, कोई भी पैसा एरियर का पैसा, एरियर पैसा मतलब क्या, जो पैसा आपको पहले मिलना चाहिए था वो अभी मिला है। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको मिलना चाहिए था 20,000 रुपीज, मिलना चाहिए था। अभी ये पैसा कब मिला है आपको? 22-23 में आपको मिला है, तो आपको इसका ऊपर टैक्स कब देना पड़ेगा? ये पैसा कब का है? 21-22 में। तो आप इस साल में आपने टैक्स पेमेंट किया है? नहीं किया है। क्योंकि नहीं किया है? क्योंकि आपको पैसा ये मिला नहीं था, मिला नहीं था बोल के आपने क्या किया, टैक्स नहीं लगाया। तो ये इस साल में टैक्स लगेगा, कितना का ऊपर लगेगा? 20,000 का ऊपर लगेगा। लेकिन बात क्या है कि एवरी ईयर हम लोग का क्या होता है, स्लैब रेट चेंज होता है। तो लास्ट ईयर स्लैब ज़्यादा था कम था, लास्ट ईयर का अकॉर्डिंगली आपको रेट निकालना रहेगा और उसका अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना पड़ेगा। और इस साल का आपका स्लैब अलग है, रेट भी अलग होगा, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लाइबिलिटी भी अलग होगा। तो रिलीफ इसी को बोलते हैं कि अगर आपका रेट चेंज होने के कारण, स्लैब चेंज होने का कारण आपको क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है। पकड़ लीजिए आपको नया वाला साल में आपका रेट ज़्यादा हो गया, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। ये 20,000 रुपया क्या हो गया? 20,000 रुपया आपको कौन सा साल में मिल रहा है? इस साल में मिल रहा है। आपका 21-22 में आपका इनकम कितना गिर रहा था? ये 20,000 को छोड़ के आपका 5 लाख गिर रहा था। 5 लाख होने से आपका कौन कितना रेट में गिरता है? आप 10% वाला में गिर रहे हैं, 10% वाला में आप गिर रहे हैं। तो आपको क्या हो गया इस साल में, आपका तो कितना रह गया था आपका, 5, मान लीजिए आपका 575 था, बट 975 आपको इस बार मिल रहा है।
ठीक है, इस साल आपका सैलरी कितना है 985 मिल रहा है विदाउट इंक्लूडिंग दिस। आपको इसको इंक्लूड इस साल करने के साथ साथ आपका क्या हो गया 10 लाख क्रॉस कर लिया। 10 लाख क्रॉस करने के साथ साथ आपको रेट कितना गिर गया 20% या 30% गिर गया। आपको ये 20,000 का कारण आपको हायर रेट ऑफ टैक्स में चार्ज हो गया। इसका वजह से अगर आप क्या हो गया इस 20,000 का वजह से आपका अगर हायर रेट ऑफ टैक्स पड़ जाता है तब आपको क्या मिलता है रिलीफ मिलेगा। कैसा रिलीफ मिलेगा कि आपको दोनों साल का जिस साल का पैसा है, ये कौन सा ईयर का पैसा था 21-22 का पैसा था, उसका पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, फिर 22-23 का ऊपर टैक्स निकालना पड़ेगा, दोनों का बीच में जो भी डिफरेंस निकलेगा उतना का आपको रिलीफ मिल जाएगा। अभी उसी कैलकुलेशन को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो ये कब कब मिल सकता है आपको, कभी भी अगर आपको एरियर का पैसा मतलब पहला पैसा जो आपको पहले मिला नहीं था अभी मिल रहा है तब आपको ले सकते हैं, और इन एडवांस आपको अगर एडवांस में पैसा मिल जा रहा है वो अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हो 23-24 का है वो आपको अभी मिल जा रहा है तो अभी का बेसिस में आपको टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था वेयर बाय एनी रीज़न कोई भी रीज़न का वजह से आपको क्या मिल रहा है एनी पोर्शन ऑफ एसएससी सैलरी बीइंग पेड इन एरियर्स और इन एडवांस। कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर का पैसा कितना महीने से ज़्यादा होना पड़ेगा 12 मंथ से ज़्यादा होना पड़ेगा उसका पेमेंट क्या मिल रहा है आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इफ़ हिज इनकम इज़ एसेस्ड एट अ हायर रेट देन द प्रीवियस रेट, मतलब आपको अगर पहले 5% में एसेस हो रहा था अभी इस 20,000 का कारण आपको कितना में हो जा रहा है 30% में हो जा रहा है, आपका रेट चेंज हो जा रहा है तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर बाद में क्या था आपको पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा कि पहला स्टेप में क्या था जो भी प्रीवियस ईयर का पैसा है आपको कैलकुलेट टैक्स पेएबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच आपको पैसा मिल रहा है, मतलब कौन सा ईयर में 22-23 में आपको पैसा मिल रहा है पहले उसका टैक्स निकालना पड़ेगा पहला। इसमें भी आपको दो चीज करना पड़ेगा, पहला वाला में क्या इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी जो एरियर सैलरी आपको मिल रहा है उसको इंक्लूड करके आपको उसका ऊपर टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर विदाउट इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी बाय एरियर सैलरी आपको यहाँ पे क्या टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकल जाने से आपको क्या पैसा निकलेगा डिफरेंस किसका निकलेगा एडिशनल सैलरी का ऊपर जितना टैक्स निकलता है उसका डिफरेंस निकल जाएगा, ये क्या है वो टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी। ठीक है, ये कब का लिए करेंट ईयर, फिर आपको जो भी प्रीवियस ईयर का पैसा था आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था 21-22 का, फिर 21-22 में भी फिर आपको दोनों चीज़ें करना है इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी और एक्चुअल सैलरी जिसने आपने एसेस किया था उसमें भी आपको क्या निकलेगा टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी निकल गया। ठीक है, इन दोनों का फिर डिफरेंस जो निकलेगा उसको उसमें ही आपको क्या करना पड़ेगा रिलीफ मिलेगा, इन दोनों का जो भी एडिशनल टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी निकला इधर पे इन दोनों का बीच में आपको डिफरेंस निकालना है उसी डिफरेंस को क्या मिलेगा आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिल जाएगा। पहले आपको क्या निकालना है टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी निकालना है, टैक्स ऑन एडिशनल सैलरी कहाँ से निकलेगा इन दोनों में से। ठीक है, चलिए ये वाला करते हैं अभी हम लोग। एस कौन है एक एम्प्लॉई है, क्या मिल रहा है कौन सा ही प्रीवियस ईयर में है 17
18, असेसमेंट ईयर क्या होगा 18-19, ठीक है। आपको सैलरी कितना मिल रहा है 6,60,000 मिल रहा है, और ये कौन सा साल का है 15-16। तो अभी हम लोग को क्या करना है 2015-16 का भी निकालना है और 2017-18 का निकालना है, ठीक है। इसमें भी आपको ए बी, इसमें भी आपको ए बी, ए माने इंक्लूसिव और ये माने एक्सक्लूसिव, सेम चीज, ठीक है। एसएससी का इनकम कितना था 3,30,000, तो ये एक्सक्लूसिव है 3,30,000, ठीक है। फिर इसमें हमको कितना मिल रहा है 25,000, इसमें भी हमको 3,30,000 हमारा इनकम था, एडिशनल इनकम कितना मिल रहा है हमको 25,000। इसमें एडिशनल सैलरी को नहीं पकड़ना है। अभी इधर में कितना मिल गया हमको 355, यहाँ पे कितना हुआ 3,30,000, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोला, रिलीफ आपको कैलकुलेशन करना है अप टू 2.5 नील है, 2.5 से 5 10%, 5 से 10 20%, अबव 10 30%। एजुकेशन सेस कितना था आपका 2%, और आपका सीनियर से हायर एजुकेशन सेस कितना था आपका 1% था। ये कब का है, इस कल है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव था, यहाँ पे कितना था 6,60,000 था, और यहाँ पे आपका 6,60,000 सेम। पैसा कितना मिल रहा है 25,000, यहाँ पे पैसा अलग है 685 हो गया, यहाँ पे 660। अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा। पहले टैक्स निकालिए, 685 में आपको कितना निकल रहा है, 1780 में टैक्स कितना निकलेगा आपका 685 माइनस 5 लैक्स इंटू 5% आया ना, कितना होगा 20% होता है ना 10% होता है, कितना होगा 20% लगता है, कितना होगा, कितना 37,000 है। यहाँ पे क्या निकल रहा था पहले देखिए, तो एक बार 37,000 प्लस 37,000 प्लस बोलिए बोलिए आप लोग बोलेगा। अभी 49,500 आपको निकल कितना रहा आंसर में, देखिए कैसे निकल रहा है आपका 49,500। 49,500 है, हाँ रिबेट माइनस नहीं करना है, ठीक है। टैक्स कितना निकला 49,500, इसमें कितना आ रहा है 6,60,000 में, रिबेट का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अभी डिफरेंस कितना निकला, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सेस तो बाद में करेंगे, बोलिए पहले बताइए डिफरेंस कितना निकलेगा, सेस बता दीजिए, बोलिए
सेस 4% लगेगा। ये 17-18 का है, ये किसका था? ये दूसरा है, आप कौन सा कर रहा है? 17-18 असेसमेंट या 18-19 के लिए कर रहा है, इसके लिए 4% दिए। किसमें? 19 आराम से आएगा। हाँ इसमें 44 5 बैठे कैलकुलेट करिए। कितना आ रहा है? 51480। पहले वाला में 51480, फिर नेक्स्ट वाला में 46। अभी लग कितना रहा है? थ्री परसेंट सेस लग रहा है, तो आप यहाँ पे आप लोग 4% की जगह में भी 3% कर दो। 3% में कितना होगा बताइए? 14 85। सेकेंड वाला में 13 35। अभी मैच हो रहा आप लोगों का सर? ठीक है, फाइव जीरो नाइन एट फाइव 835। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना था हम लोग को? डिफरेंस। तो तब जाके क्या निकलेगा? टैक्स ऑन एडिशनल इनकम निकल जाएगा। तो 50985 माइनस 45835 कितना निकला? 51 50। ये ठीक है। फिर उसके बाद में हमको कितना था? 1516 का निकलना था। बी इज एक्सक्लूसिव, आपको कितना मिल रहा था? 3 लाख ना, 3,30,000 आपका। ठीक है, फिर 3,30,000, फिर एडिशनल इनकम, ये आपका कितना आ गया? 3,55,000। इसमें कितना है? 3,30,000। इसमें टैक्स कितना आएगा? इसमें आएगा आपका 10%। 3,30,000 में नहीं आएगा, कितना में आएगा? हाँ तो आपको कितना मिल रहा है? 3,55,000 मिल रहा है। 3,55,000 में से आपको कितना लेस करना है? 2,50,000 को पहले माइनस 1,05,000। हाँ कितना है इंटू 10% कितना मिल रहा है आपको? टैक्सेस इसमें पहला वाला में 105,000। नेक्स्ट वाला में करिए 3,30,000 में कितना आ रहा है? 8,000 आ गया आपका। फिर अभी आपको क्या देखना था? सेस लगना था, लेकिन सेस लगने का पहले क्या लगता लगता है आपको? रीबेट लग गया। रीबेट किस लिए लगा है? क्योंकि उस टाइम में था कि 5,00,000 से इनकम कम होने से आपको 2,000 का रीबेट मिल रहा है।
रिबेट कितना मिलता है? तो इनकम 5 लाख से कम है, रिबेट कितना मिलेगा? 2000 का। तो यहाँ पे कितना होगा? 8500। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6000। फिर उसका ऊपर क्या लगेगा? सेस कितना का लगेगा? 3%। आप लगाइए। करेंगे। यहाँ पे कितना होगा? 8755। यहाँ पे होगा 618। फिर उन दोनों का क्या निकलना था? डिफरेंस। तो 8750 माइनस 6180 इज इक्वल टू 70। दूसरा कुछ बोले क्या बोले? 8750 माइनस 6180 इज इक्वल टू 2570। ठीक है, 2570। तो आपको पहले टैक्स कितना यहाँ पे मिल रहा था? 5150। और यहाँ पे कितना अपने टैक्स पेमेंट करना था? 2570। तो रिबेट कितना का मिलेगा आपको? माइनस 5150। आ रहा है, कुछ गलती किया हम लोग? कहाँ पे गलती किया है? 255 था क्या? 10500, 8500 प्लस 255, यहाँ पे कुछ गलती किया हम लोग? टू फिफ्टी फाइव माइनस 6180 करने के बाद हम मेरा कितना निकल रहा था? 2570 निकल रहा था। हम लोग 5 रुपया नहीं पकड़ रहा था, यहाँ पे 5 रुपया हम लोग नहीं पकड़ा था। ठीक है, मेरा निकल रहा था 2570, यहाँ पे 2575, 5 रुपया पकड़ नहीं रहा था हम लोग। सेम चीज़ यहाँ पे आप लोग ये तो चीज़ निकाल पाएंगे आप लोग, डिफरेंस कर देने का बाद में जो भी निकलता है, ये पहला वाला साल का, नेक्स्ट वाला साल का, फिर उसका बाद में जो भी निकलता है वो आपको रिलीफ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोग का हाउस प्रॉपर्टी, आप लोग आ जाइए, आप लोग का पेज नंबर 160 है, बुक का पेज नंबर 160। तो यहाँ पे क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में आपको कौन सा सेक्शन से आपको डील करना है? सेक्शन 22 से सेक्शन 27 तक। तो पहले भी जैसे हम लोगों को क्या था कि चार्ज किसका ऊपर करना है, टैक्स किसका ऊपर लगाना है, वो हम लोगों को पहले डिसाइड करना था। तो सेम चीज़ यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन कहाँ पे है? सेक्शन 22 पे था। और सैलरी में कितना में था? सैलरी उल्टा था, सेक्शन 17 था आपका। ठीक है, डिडक्शन कौन सा सेक्शन में था सैलरी का? 15 में क्या लिखा है? चार्जिंग सेक्शन है। डेफिनेशन किस में था सैलरी का? चार्ज किस में लग रहा है? हाउस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन कहीं पे है? सैलरी का डेफिनेशन 17 में था, 15 में क्या लग रहा था? चार्ज लग रहा था। 16 में क्या था? डिडक्शन, करेक्ट, डिडक्शन। 15 इज चार्जिंग, 16 इज डिडक्शन, 17 इज डेफिनेशन। तो 22 में आपको क्या लग रहा है? चार्ज होगा, किस चीज का ऊपर आपको टैक्स लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का बुक में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 22 पहला वाला कह रहा है देना है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको पैसा कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसका ऊपर टैक्स नहीं लगता। सैलरी में हम लोग किसके ऊपर लगाते हैं? कि कोई भी पैसा आपको एम्प्लॉयर से मिलता है ऑन ड्यू और
रिसीट बेसिस में आपको लगाना था, लेकिन यहाँ पे आपको हाउस से घर से आपको कितना पैसा मिल रहा है उसके ऊपर नहीं लगाना है, इसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर लगाना है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का ऊपर लगाना कि मतलब आपको क्या होना पड़ेगा, आपका घर होना पड़ेगा, ठीक है। उस घर का पहले देखेंगे कि हम लोग म्यूनिसिपलिटी वैल्यू कितना है, ये सब काम अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। एफआर कितना है, एफआर मतलब फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीवेबल और रिसीव, फिर जीएवी, फिर एनएवी, ठीक है। ये चीज अब लोग हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट में क्या आ गया आपको थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि जीएवी है, जीएवी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी टैक्स कितना का ऊपर लग रहा है, एनुअल वैल्यू का ऊपर। रेंट कितना मिल रहा है, स्टैंडर्ड रेंट कितना मिल रहा है उसका ऊपर हम लोग का ऊपर बेसिस नहीं है, नहीं है बोलने से वो भी गलत होगा, लेकिन हम लोग किसका ऊपर में लगाता है, एनुअल वैल्यू का ऊपर में लगाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट टू, ये आप लोग का लैंड है, आपने इस लैंड को क्या कर दिया, ऑन रेंट दे दिया, यहां पे बिल्डिंग नहीं है, तो इस लैंड से जो भी रेंट मिलेगा आपको वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। यहां पे आप पढ़ा क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका एनुअल प्रॉपर्टी हम लोग निकाल पाएंगे, तो कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड बोले, डेफिनेशन में ये तो लिखा हुआ है लैंड। तो इससे अगर आपको रेंट मिलता है एज पर सेक्शन 22, विल यू चार्ज इट अंडर हाउस प्रॉपर्टी, समझ में आया, डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ के हमको तो इसमें क्या लग रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया एनुअल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, लैंड बिल्डिंग और, आपको यहाँ पे एम्फेसाइज करना है बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट देयर टू, मतलब पहले आपको क्या होना पड़ेगा, बिल्डिंग होना पड़ेगा, अगर बिल्डिंग का साथ में लैंड है तब उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोल के मानेंगे, अगर यहाँ पे ओनली लैंड है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी बोल के इनकम बोल के नहीं मानेंगे, ठीक है। तो पहला आपको क्या होना पड़ेगा, बिल्डिंग होना पड़ेगा, बिल्डिंग का साथ में अगर लैंड भी आ जाता है तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑफ विच एसएससी इज द ओनर, इसका मतलब क्या हो गया, लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, साथ में क्या होना पड़ेगा आपको, ओनर भी होना पड़ेगा। अभी एक बात हो जाता है कि यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है कि आप ओनर नहीं होने से भी आपको क्या होना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में आपका इनकम आ जाएगा। कौन सा केस में आ सकता है, जैसे क्या हो गया, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन है, कौन है, अभिषेक बच्चन, ठीक है, उसका बेटी क्या बोलता है, डॉटर, ठीक है, उसका बेटी को क्या कर दिया, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करने का साथ साथ में ऐसे नॉर्मली ट्रांसफर करके रख दिया, गिफ्ट नहीं दिया, क्या दिया है, ट्रांसफर किया है थ्रू ट्रांसफर डीड, एक एग्रीमेंट बनाए, एग्रीमेंट बना के ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने के साथ साथ में एक चीज होना पड़ता है आप लोगों को, अगर आप लोग ने कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ा है कि हमने क्या ट्रांसफर किया, यहाँ से अभिषेक बच्चन ने क्या ट्रांसफर किया, लैंड ट्रांसफर किया, आपको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन होने के लिए टू वे सिस्टम होना पड़ेगा ना, बार्टर सिस्टम भी क्या होता है, आपने कुछ सामान दिया, आपको कुछ सामान घुमा के मिला, आप दुकान पर जाने से क्या करता है, पैसा देता है, सामान आता है, यहाँ पे उन्होंने अगर लैंड ट्रांसफर किया है तो बेटी को क्या करना चाहिए था, मनी देना चाहिए था, तो यहाँ पे पैसा नहीं गया। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का बेसिस में अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तब आपको ओनर कौन होगा, एक्चुअल ओनर, जो प्रीवियस ओनर जो था उन्हीं का ऊपर ही उनको ओनर बोल के माना जाएगा। एक्चुअल में ओनर कौन है,
ये है, लेकिन इनकम टैक्स ओनर किसको मानेगा, इनको, जो भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हुआ किसका ऊपर चार्ज होगा, इनका ऊपर होगा। तो आप एक्चुअल ओनर नहीं होने से भी दूसरा भी ओनर हो सकता है, ठीक है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या क्या होना पड़ेगा, बिल्डिंग, लैंड एपुटिनेंट और ओनर होना पड़ेगा। फिर और क्या बोला है आपको, अदर देन सच ऑफ प्रॉपर्टी, अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, मतलब बोला है कि इन तीनों चीज के अलावा अगर आपका जो भी इनकम होता है, अदर देन सच पोर्शन ऑफ, अदर देन मतलब इन सबको, इन क्या है, इनकम को छोड़ देना है, एज ही मे ऑक्यूपाई फॉर पर्पजेस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी, अगर ये एक और एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग एपोटेनियन था, ओनर भी था, और इस प्रॉपर्टी को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ऑन करके रखा हुआ है, तो इसको भी क्या हम लोग अभी हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। फिर से पढ़िए आपको सेक्शन 22, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग लैंड एपोटेनियन थेरटू व्हिच एसएससी इज द ओनर, ये ओनर है सब कुछ है, अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को आप लोग कंसिडर नहीं करना है, उसका अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपका पास है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई किस लिए कर रहे हैं, फॉर एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इन सबको किया जाएगा, अदर देन दिस, मतलब आपका पास कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोल के नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका पास बिल्डिंग होना पड़ेगा, लैंड एपोटेनियन होना पड़ेगा, आप उसका ओनर होना पड़ेगा, तभी जाके आप हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज कर पाएंगे, लेकिन वही हाउस प्रॉपर्टी अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर दिए तो उसको हाउस प्रॉपर्टी बोल के नहीं माना जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के माना नहीं जाएगा, उसका इनकम क्या बोल के आएगा, बिजनेस इनकम बोल के आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 22 समझ में आ गया। सेक्शन 23 क्या डील करता है, कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये मतलब क्या हो गया, लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये फिर हो गया डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। कंप्यूटेशन कैसे करना है, सेल्फ लेट आउट मतलब क्या हो गया, कि हमने रेंट में दिया है, लेट आउट मतलब क्या हो गया, लेट आउट मतलब रेंट में दिया है, ठीक है। फिर बाद में सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या हो गया, खुद ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। डीम्ड लेट आउट मतलब आपने लेट आउट नहीं किया है, लेकिन आपको माना जाएगा कि आपका प्रॉपर्टी क्या है, लेट आउट है बोल के, तब हम लोग डीम्ड लेट आउट बोल के मानेंगे, इसका डेफिनेशन भी हम लोग बाद में देखेंगे। सेक्शन 24 क्या बोलता है, डिडक्शन देता है, डिडक्शन आपको दो टाइप का मिलता है, जैसे आपको सेक्शन 16 में डिडक्शन मिल रहा था दो टाइप का, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेक्शन 24 में दो टाइप का मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, गाड़ी के लिए हमने लोन लिया है तो यहाँ पे मिलेगा डिडक्शन, गाड़ी का लोन भी तो लोन ही है, उसका इंटरेस्ट को यहाँ पे हम लोग डिडक्शन में ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। आपको किसके लिए लोन लेना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। फिर आपको डिडक्शन क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, 30% किसका, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी जितना होगा उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आपका नेट एनुअल वैल्यू अगर 2,40,000 हुआ तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, उसका 30% मिलेगा। सेक्शन 25 क्या बोलता है, कि अगर आपको क्या मिल रहा है, अनरियलाइज रेंट है आपका पास, क्या है, अनरियलाइज रेंट है, आपने रेंट में दिया था, आपको रेंट मिला नहीं था, और जब भी मिलता है तो उसको हम लोग टैक्स कैसे करेंगे, ठीक है, ये कौन बोलता है, सेक्शन 25। सेक्शन 26 क्या बोलता है, को ओनरशिप, को ओनरशिप मतलब क्या है, जैसे हस्बैंड और वाइफ ने क्या क्या लिया, एक प्रॉपर्टी को 50-50
पोर्शन में डिसाइड किया है, बार ओनरशिप में लिया है, तो वो हो गया को ओनरशिप। और डीम्ड ओनर, जैसे आप लोग का ट्रांसफर जिसमें था डीम्ड ओनर बोल के मान गया था पहला वाला को, उसी को ही हम लोग डीम्ड ओनर बोल के मानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला क्या देखना था, सेक्शन 22। सेक्शन 22 में हम लोग ने क्या डिसाइड देख लिया कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग होना पड़ेगा, लैंड एपुटिनेंट हो सकता है, और क्या होना पड़ेगा, ओनर होना पड़ेगा, नॉट ऑक्यूपाइंग बिल्डिंग फॉर हिज, ये समझ में आ गया। तो फिर बाद में हाउस प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है, तीन टाइप का हो सकता है, ये भी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया। एनुअल वैल्यू निकालना होता है सेक्शन 23 का बेसिस में। फिर आपको क्या देखना है, अभी बिल्डिंग क्या होना पड़ेगा, बिल्डिंग में रूफ होना मैंडेटरी नहीं है, विदाउट रूफ अगर आपका पास बिल्डिंग है तब भी उसको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोल के माना जाएगा। अगर आपका पास क्या है, स्विमिंग पूल है, घर है, बिल्डिंग में रूफ नहीं है लेकिन स्विमिंग पूल है, तो उसको भी हम लोग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोल के मान सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को देखना है, वो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए। सेक्शन 22 में क्या था आप लोग का, बिल्डिंग यूज फॉर ओन प्रोफेशन होने से हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। सेक्शन 22 क्या बोलता है, सैलरी का हाउस प्रॉपर्टी में आपको चार्ज करना है। अगर बिल्डिंग है, आप ओनर है, लैंड भी है आपका पास, पहला क्या था कंडीशन, लैंड होना पड़ेगा, बिल्डिंग होना पड़ेगा, फिर सेकेंड में क्या था, लैंड अकॉर्डिंग होना पड़ेगा और आप ओनर है, तीनों चीज़ आपका कंडीशन फुलफिल है। लेकिन ये बिल्डिंग किसका लिए यूज हो रहा है, ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो आपको सेक्शन 22 के अंदर में चार्ज करना है या नहीं करना है, नहीं करना है। तो फिर क्या हो गया, आपको बिजनेस के लिए आपने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके रख दिया है, तब भी उसको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेना है। प्रॉपर्टी क्या है, एग्जेम्प्ट है, इन इंसान को बोल के रखा है कि आप लोग अगर क्या करता है, कोई भी इनकम अर्न करता है कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी से, तो आपका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। किन को बोला है, पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे अभी मान लीजिए आपका पास कौन है, बीजेपी है, बीजेपी का क्या है, एक पार्टी भवन है, पार्टी भवन में क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पार्टी के लिए रेंट मिल रहा है हमको, तो उनको रेंट मिल रहा है इस हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो जो भी इनकम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, किसका लिए, कौन सेक्शन बोल के रखा है, सेक्शन 22 बोल के रखा है कि ये सब प्रॉपर्टी अगर अर्न करता है, कहाँ से अर्न करता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अर्न कर रहा है, कौन अर्न कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, आप खुद ही ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो आपको अगर कुछ भी पैसा मिल रहा है उसके अगेंस्ट में, वो भी क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में मतलब क्या है, कोई भी इनकम नहीं होता है। अगर मतलब क्या हो गया, जैसे आपने क्या कर दिया, ये आपका पास एक ही घर है, ये घर किसका है, मिस्टर आर का है, तो इस घर से अगर कोई भी इनकम अर्न होता है तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी से इनकम को चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अगर मान लीजिए कि इस आपका पास क्या है, दो हाउस है, इस हाउस से भी आपको इनकम आ रहा है, इस हाउस से भी इनकम आ रहा है, इस हाउस से इनकम आ रहा है, तो आपको किसका किसका ऊपर टैक्स लगेगा, इसका ऊपर टैक्स लगेगा, इसका ऊपर टैक्स लगेगा, इसका ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड से अगर आपको इनकम ही नहीं आता है तो आपका एनुअल वैल्यू क्या होगा, जीरो। आपका एनुअल वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक है। किसका बेसिस में, ओनली फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। तो उसका बाद में हम लोगों को क्या देखना था, अभी हम लोगों को पता चला कि बिल्डिंग होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिएगा, ओनरशिप चाहिए इसका। तो अभी हम लोग ओनरशिप में देखेंगे कि कोई भी एक लीगल ओनर हो सकता है या डीम्ड ओनर हो सकता है। तो डीम्ड ओनर क्या हो सकता है, कौन है, पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड। मतलब क्या बोला है, लैंड का ओनर दूसरा कोई है, मिस्टर एक्स एक्स है, बिल्डिंग का ओनर मिस्टर वाई है,
तो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसका ऊपर लगेगा? मिस्टर वाई को लगेगा। लैंड को कुछ भी इनकम होगा या बिजनेस इनकम होगा वो मिस्टर एक्स को लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या बोले, बिल्डिंग का ओनर जो है उनको लैंड का भी ओनर होना जरूरी नहीं है, समझ में आया? दोनों चीज क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया, इन सब केसेस में आप लोग को डीम ओनर एक्चुअल ओनर जो है वो नहीं भी होके दूसरा कोई इंसान होगा। मतलब क्या हो गया कि आपने ट्रांसफर किसको किया है, आपका स्पाउस को क्या है या माइनर चाइल्ड को कर दिया। जैसे अभिषेक बच्चन अपना माइनर चाइल्ड को क्या कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ पे कौन था? अभिषेक बच्चन था, वो इंडिविजुअल है। उसने क्या ट्रांसफर किया था, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था। किसको ट्रांसफर किया था? स्पाउस और माइनर चाइल्ड को किया था। और किसका साथ में किया था? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, पैसा फुल ट्रांसफर नहीं हुआ था। तब जाके कौन ओनर होगा? ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन है, ठीक है। और उसका बच्ची जो डॉटर है वो कौन है? ट्रांसफरी है। तो जो जिसने ट्रांसफर किया है उसी को ही हम लोग डीम ओनर होके मान लिया जाएगा। कब माना जाएगा? इंडिविजुअल होना पड़ेगा प्लस ये मेन वाला चीज होना पड़ेगा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना पड़ेगा, पैसे का ट्रांसफर कम होना पड़ेगा। अगर पूरा पूरी हो गया तो माइनर चाइल्ड ही उसका ओनर बोल के मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में आप बोल गए कि ये कॉन्ट्रैक्ट का ये क्लोज है, ये अगर हम क्या करता है, ये काम अगर हम कर देता है तो हम कौन बन जाएगा, इस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग का लेन देन नहीं है, खाली कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल के रखा है, कंडीशन दे के रखा है कि इफ आई फुलफिल दीज कंडीशन आई विल बी द ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल करके रखा हुआ है तब आपका पास उस हाउस प्रॉपर्टी का टाइटल या ओनरशिप आपके पास आ जाएगा। एग्रीमेंट बिटवीन परचेजर एंड सोलर, तो क्या है, रेडी टू पे कंसिडरेशन एंड टेक पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको इसका पोजिशन ले लेना पड़ेगा, पोजीशन मतलब कि आप उसका घर को पक्का कर लीजिए तब भी आपका पास ओनरशिप आ जाएगा। आप ओनर नहीं है लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आप उसका ओनर बन गया। तो फिर बात में क्या है, मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन है, आप एक मेंबर है, ये आप मेंबर है किसका, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप कौन है, एक मेंबर है। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर को एक प्रॉपर्टी अगर अलॉट किया जाता है, ये वाला क्या अलॉट कर देता है, हाउस प्रॉपर्टी अलॉट किया जाता है, तो उसी मेंबर को क्या बोल के माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का ओनर बोल के माना जाएगा। क्यों, ये प्रॉपर्टी किसका है, पूरा पूरी प्रॉपर्टी किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर आपको क्या मिल रहा है, इसका पोजीशन मिल जाए, तब ओनर कौन होगा, एक्चुअल ओनर आप ही होगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको एक रूम मिल गया है लेकिन आप मेंबर नहीं है, तब आप एक्चुअल बिंग ओनर रूम में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या होना पड़ेगा, पहला मेंबर होने से ही बिंग ओनर होगा। अगर आप मेंबर नहीं है और आपको रेंट में रूम मिल रहा है तो इसका ओनर एक्चुअल ओनर कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, ठीक है। फिर बाद में बाकी सबको आप लोग को देखना है, वो इजी है। चलिए इसमें क्या देखना था अभी हम लोग को, पहला कंपटीशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट ही होना पड़ेगा या डील लेट आउट होने से ही उसका एनुअल वैल्यू निकलेगा, क्योंकि सेल्फ एक्यूपाइड होने से उसका जीएवी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग को क्या मिलेगा, जीएवी निकालना है, क्या निकालना है, जीएवी। जीएवी से डिडक्शन क्या मिलता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल जो भी टैक्सेस है वो आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा। आप खुद अगर पे करेंगे बा आपका थ्रू से कोई भी अगर पे करके देता है तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर
जीएबी पकड़ लीजिए, आपको कितना निकल रहा था, 2 लाख निकला। 2 लाख में से आपने 1000 क्या कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट किया, तो आपको 199 का एनएबी निकला। एनएबी में आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा, 199 का 30% आप डिडक्शन यहाँ पे ले लीजिए। फिर अगर आपने इंटरेस्ट लिया था, किसने लिया था, हाउस प्रॉपर्टी घर बनाने के लिए इंटरेस्ट लिया था, उसमें अगर आपको 5000 रुपये का इंटरेस्ट गिर रहा है तो आप यहाँ पे 5000 रुपये भी माइनस कर सकेंगे। उसका बाद में जो भी अगर आपके पास वैल्यू रह जाता है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कभी भी पॉजिटिव होगा बोल के जरूरी नहीं है, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप हाउस प्रॉपर्टी का जितना भी वैल्यू है उससे ज़्यादा आपका डिडक्शन है या आपका खर्चा ज़्यादा होगा, तो मतलब आपका लॉस भी हो सकता है। नेसेसरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही हो। तो सैलरी में आपका प्रॉफिट होता है कि नहीं, सैलरी में प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि आपका पॉजिटिव इनकम रहता है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में आपका नेगेटिव इनकम हो सकता है। उसका बाद में जो भी आपको इनकम मिलेगा, अभी आपको क्या क्या मिल रहा है, अभी हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, नेगेटिव इनकम इज पॉसिबल, फिर बाद में पीजीबी भी मिलेगा, नेगेटिव इनकम इज ऑल्सो पॉसिबल देयर, आईएफओएस उसमें नेगेटिव इनकम हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। फिर बाद में और क्या है, इसमें नहीं हो सकता है, फिर और क्या है, कैपिटल गेन, इसमें भी नेगेटिव इनकम हो सकता है। फिर बाद में अभी हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोग को एनुअल वैल्यू निकालना है। अभी एनुअल वैल्यू में अगर हम लोग को कैसे निकालना है, पहले यहाँ पे स्टेप्स आपको 3-4 दिया हुआ है, उसमें आपको क्या देखना, पहले कंपेयर बोला है किसको, फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब क्या हो गया, आप एक एरिया में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं, इंद्रपुरी में रह रहे हैं, दुल्हेधर में इंद्रपुरी एरिया है। इंद्रपुरी में क्या है, रेंट कितना चल रहा है, पकड़ लीजिए पर एक रूम में आपको 5000 गिर रहा है, कितना गिर रहा है आपको, 5000। आपको पता है पूरा एरिया में आपको कितना गिर रहा है, एक एक रूम में 5000 गिर रहा है, तो दैट इज योर फेयर रेंट, मतलब मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ योर हाउस प्रॉपर्टी। आपका हाउस प्रॉपर्टी में मार्केट का वैल्यू कितना है, मंथली रेंटल वैल्यू कितना है, 5000, दिस इज योर फेयर रेंट। उसका डेफिनेशन आप लोगों को बुक में देखना, अभी समझ में आएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या आ गया, म्यूनिसिपल वैल्यू निकलेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू किसका पास रहेगा, कि आपका अगर ये एरिया किसके अंडर में गिरता है, म्यूनिसिपलिटी के अंडर में गिरता है, तो म्यूनिसिपलिटी आपका हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके एक वैल्यू बता देगा, वो आपका पकड़ लीजिए मान लीजिए कितना है, 4000। फेयर रेंट कितना है, आपको पता है कि हम अगर मार्केट में हम अपना प्रॉपर्टी को लीज करता है तब हमको 5000 मिलेगा। म्यूनिसिपलिटी बोलता है कि आपको 4000 रेंट लेना चाहिए, कौन बोला है, म्यूनिसिपलिटी ने बोला है। फिर बाद में आपका पास आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, कि आपको रेंटल एक्ट रहता है, रेंट का भी एक्ट रहता है, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट रहता है, पीएफ का एक्ट रहता है, इनकम टैक्स का एक्ट रहता है, आपको रेंट एक्ट का अकॉर्डिंगली आपको कितना मैक्सिमम आप रेंट चार्ज कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अकॉर्डिंग टू एक्ट हाउ मच यू कैन चार्ज फ्रॉम अ कस्टमर, दैट इज योर स्टैंडर्ड रेंट। उसको मान ले रहे हैं हम लोग 4500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन दोनों में से विच एवर इज हायर को पकड़ना है, विच एवर इज हायर। पहला में अभी हम लोग को, पहले हम लोग को क्या चाहिए, अभी हम लोग को जीएबी चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप में हम लोग को देखना है एफ आर और म्यूनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर। यहाँ पे हायर कौन सा है, फेयर रेंट। तो अभी हम किसको पकड़ के चलेगा, फेयर रेंट मतलब 5000 को लेके चल रहा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, तो इस वैल्यू को कंपेयर दिस वैल्यू विथ स्टैंडर्ड रेंट, तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, इन दोनों में से जो भी लोअर, यहाँ पे लोअर कौन सा है, स्टैंडर्ड रेंट, तो आपको किसको पकड़ना है,
लोअर इज द एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपको सेकेंड टू एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया 4500 हो गया। ये मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि मेरा रेंट अभी 5000 मिल सकता है, लेकिन ये कौन है, एक्ट है, अभी एक्ट से कोई भी हम लोग से बड़ा नहीं है। अगर एक्ट ने बोल दिया कि आपको 4500 लेना है, तो आपको लेना कितना ही है, 4500 ही लेना है, समझ रहे हो। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हम लोग कुछ चार्ज कर सकेंगे। आपको एज अ हाउस ओनर आपको सोचना है कि मुझे पता है कि फेयर रेंट 5000 मिल सकता है, म्यूनिसिपल वैल्यू 4000, म्यूनिसिपल अभी हमको बताएगा कि हमको कितना चार्ज करना है। हमको अगर 5000 मिल रहा है तो हम 5000 का रेंट ही देना चाहेंगे ना। आप ऐसा पागल इंसान है कि आप बोलेंगे कि हम 4000 में रेंट दे देगा, नहीं है। तो आप कितना चाहेगा कि 5000 में दे, लेकिन आप 5000 में रेंट दे दिए, लेकिन एक दिन कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गया कि आपका पास एक्ट दिखा के बोला कि आपको 4500 ही चार्ज करना है। तो आप क्या हीरो है क्या, तो आपको कितना चार्ज कर ही सकेगा, 4500 ही बाय लॉ चार्ज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट कितना पड़ता है 4500। इसका लॉजिक समझ में आइए। फिर उसका बाद में क्या आता है, एक्चुअल रेंट का साथ में आपको कंपेयर करना है। ये आपको क्या निकल गया अभी, एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब आप मिनिमम इतना रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। फिर उसका बाद आपको क्या पकड़ना है, एक्चुअल रेंट। रेंट आपको 4500 है, लेकिन आपका टेनेंट क्या है, हरामी इंसान है। वो भी क्या बोला, आप 500 रुपये का डिस्काउंट ले लो, आपको 500 रुपया नहीं दिया है, तो एक्चुअल रेंट कितना मिला है 4000। तो 4000 प्लस आपको कंपेयर किसका बीच में करना है, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है आपका 4500, और आपको रेंट कितना मिल रहा है 4000। तो अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट, यहां पे हम लोग का क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, ईआर से ज्यादा है। अगर एक्चुअल रेंट से 4500, समझ में आ रहा है। अभी एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट, तो हम लोग का कंडीशन कौन सा फुलफिल हुआ, दिस कंडीशन फुलफिल हुआ। ये है, यहां पे क्या बोला, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन और इज स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तब हम लोग ए आर को भी जी ए वी बोल के मानेंगे। लेकिन ये बिकॉज ऑफ वैकेंसी क्या हम लोग का हो रहा है क्या, एक्चुअल रेंट जो है वो कम किस लिए है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी के लिए है या नहीं है, मतलब वैकेंट मतलब क्या हो गया, खाली रह गया घर, घर तो खाली नहीं था। हम लोग ने जो घर को रेंट में दिया है वो अगर वैकेंट रह गया था, खाली रहने के कारण अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम गिर गया, मेरा घर क्या है, जो भी रेंट मिल रहा है, एक्चुअल रेंट जो भी मिल रहा है वो वैकेंट होने के कारण एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो गया, तब हम लोग एक्चुअल रेंट को ही मानेंगे या जी ए वी को। यहाँ पे हम लोग का घर वैकेंट था, नहीं था, तो हम लोग किसको मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि 4500 मिलना चाहिए, तो मुझे मेरे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना होगा, 4500 ही होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि टेनेंट ने अगर आपका पैसा मार के रख दिया, ये क्या था आपका एक्चुअल रेंट या आपका एक्सपेक्टेड रेंट। आपको पता है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, तब आपको ई आर, विच एवर इज हायर इज योर जी ए वी। यहाँ पे पहले आपने हायर देखा था, इन दोनों में हायर, फिर आपने लोअर देखा, फिर आपने हायर में आ गए, विच एवर दिस और दिस, विच एवर इज हायर, आपका हायर कौन है, ये है, तो आपका जी ए वी ये होगा, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए कि आपको एक्सपेक्टेड आपका 4500 ही है, 4000 आपको कितना मिलना चाहिए, 4500, लेकिन आपका घर क्या हो गया, एक महीना के लिए खाली रह गया, घर बनाया, घर बनाने का बाद में आपको
इंसान नहीं मिल रहा था, आपका घर एक महीना के लिए खाली पड़ गया, और आपको क्या कितना मिल रहा है अभी? 3000 रुपीज मिल रहा है। 4500 का जगह में कितना मिल रहा है? 3000। तो आपका घर का अर्निंग कैपेसिटी कितना ही है? 3000 ही है। क्योंकि अगर आपका घर अगर वैकेंट नहीं होता तो आपको इतना मिलना चाहिए, लेकिन आपका घर वैकेंट होने का कारण आपको कितना मिल रहा है? 3000। तो आपको 3000 ही आपका जीएबी होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर बिकॉज ऑफ वैकेंसी आपका वैल्यू कम हो जाता है तो आपको 3000 ही पकड़ना है। समझ में नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, करते करते लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये नोट में हम लोग कुछ लिख के रखा है, वो आप लोग को एक बार पढ़ना है, अभी आप लोग पढ़िए उसके बाद बताइए, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो बताइए, खाली नोट को ही कंसिडर करिए। क्या है यहाँ पे, आपने क्या कर दिया, आप कौन है? बिल्डर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इस घर सबको बिल्ड करता है और आपको एक एक प्लॉट को आप बेचता रहता है, तो ये आपका लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। तो क्या बोले, अगर कोई भी बिल्डिंग और लैंड एपोर्टेनल आपका लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड हो, यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड है, और आपने इसको क्या कर दिया, फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर और यो, आप उसको लेट आउट कर दिया है, तब उसको वैल्यू क्या माना जाएगा, नील बोल के माना जाएगा। आप कौन है, बिल्डर है, आपने इसको एज ए स्टॉकिंग ट्रेड करता है, फिट करता है, फिर आपने इसको क्या कर दिया, एक साल के लिए या एक कोई भी एक पोर्शन ऑफ ईयर के लिए इसको लेट आउट करके रख दिया, तब उसका जीएबी को हम लोग नील बोल के मानेंगे। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, 3.2.5 इयर्स के लिए अगर लेट कर दिया, तो उसका जितना भी रेंटल वैल्यू होगा उसको जीएबी बोल के माना जाएगा। लेकिन अगर वो 1 ईयर से कम है तो उसका जीएबी नील होगा, उसको हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल के ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर कोई भी पैसा नहीं मिलता है, अनरियलाइज्ड रेंट, जैसे आपको कितना मिल रहा था, 4500 का जगह में आपको 4000 मिल रहा था, 500 रुपया क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट है। आपको रेंट में मिलना कितना चाहिए था, रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 4500, अनरियलाइज्ड रेंट इज हाउ मच, 500। आपको रेंट कितना मिल रहा है, 4000, ठीक है। ये 4000 क्या हो गया, रेंट रिसीव, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो भी होता है उसको भी माइनस कर देंगे तो आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, पहले किसको हटाना है, अनरियलाइज्ड रेंट को हटाना है, फिर उसके बाद में आपको लॉस ड्यू टू वैकेंसी को हटाना है। चलिए, ठीक है, पहले यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस में आ गए, जीएबी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। जीएबी का बाद में हम लोग को क्या मिल रहा था, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस था, तो अभी हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस में आएंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस में क्या है, दो कंडीशन है कि आपको एसएससी से पेमेंट होना पड़ेगा, अगर एसएससी का अलावा कोई पेमेंट करता है तो उसको म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बोल के नहीं माना जाएगा, एसएससी ने खुद उसको पेमेंट किया होना पड़ेगा, और शुड बी एक्चुअली पे, अगर पे नहीं किया तो उसको नहीं माना जाएगा, और कैश पेमेंट अलाउड है, मतलब आपको अगर कैश पेमेंट नहीं किया है तो नॉट अलाउड। कहाँ पे होता है, पीजीपी पेमेंट होता है, यहाँ पे कैश पेमेंट अलाउड है, ठीक है। डिडक्शन फिर आपका 24 था, म्यूनिसिपलिटी टैक्सेस पेमेंट खत्म है, फिर आपको क्या था, 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन था, तो आपको डिडक्शन कौन सा मिल रहा है, रिपेयर्स एंड कलेक्शन चार्जेस में 30% ऑफ एनएबी, इसका डिडक्शन हो गया है। अगर आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया, कुछ भी खर्चा नहीं किया, तब भी आपको ये एक्सपेंडिचर अलाउड होगा,
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था? इंटरेस्ट ऑन अलाउंस में भी बढ़िया चीज है। आपने इंटरेस्ट क्या क्या, आपने पेमेंट नहीं क्या है, पेमेंट नहीं क्या है, लेकिन आपका बैंक स्टेटमेंट में क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हो गया। बैंक स्टेटमेंट में क्या आता है, पकड़ लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया, 5 लाख रुपए का लोन लेने का साथ साथ में आपको क्या चार्ज कर देता है बैंक, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट आपका 5,000 रुपये चार्ज कर दिया। आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इंटरेस्ट जमा होते जा रहा है। तो ये इंटरेस्ट जो जो जब भी चार्ज होगा, तब आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन में चार्ज कर सकते हैं। मतलब 5,000 + 7,000 जितना भी होगा आपका, उतना का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है। अभी इंटरेस्ट ऑन लोन में भी दो टाइप का इंटरेस्ट ऑन लोन रहता है, एक होता है क्या प्री कंस्ट्रक्शन और एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब आप घर बनाने के लिए जो लोन ले रहे हैं, वो बनाने का पहले का एक इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि आप घर बनाने का पहले ही पैसा ले लिया है, घर बना ही नहीं, तो आप घर बनाने का पहले ही ना पैसा लेगा, ना घर बनाने का बाद में पैसा लेगा, पहले ही लेगा। तो उसको बोलता है, घर बनाने का पहले जो लेता है उसको बोलता है प्री कंस्ट्रक्शन, और घर बनाने का बाद में अगर जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको बोला जाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। ठीक है, फिर अभी जो भी होता है, इसमें लोन किस लिए लिया जाना चाहिए, आपको घर खरीदने के लिए लेना चाहिए, घर बनाने के लिए लेना चाहिए, घर ठीक करने के लिए लेना चाहिए, या फिर से आपको ठीक ठाक करने के लिए आपको चाहिए। ये समझ में आ गया। इनका अलावा अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं और उसके ऊपर अगर आप इन्हें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब इंटरेस्ट को यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन आपका प्रॉब्लम था। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग मतलब पकड़ लीजिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल एक दिया था, हाँ यहाँ पे लोन कितना टाइम में लिया मैंने, 5/10/2020 में लिया, 5/10/2020 में लिया है, और ख़त्म कब हुआ है, 10 June 2021। और 10 June 2021 5/10 में मैंने क्या किया, लोन अप्लाइड हुआ, मिल गया हमको। ठीक है, और इसमें कितना हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, लोन मैंने कब लिया, 5/10/20 में, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंप्लीशन। इसका बाद में जो भी चार्ज होगा वो हो गया पोस्ट, इसका पहले जो होगा प्री कंस्ट्रक्शन होगा। प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को भी पकड़ने के लिए एक पिकुलियर चीज है, कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को यहां तक माना जाएगा, कहां तक, कि फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग। तो डेट ऑफ बोरोइंग इज 5/10/20, यहां से स्टार्ट हुआ है, लेकिन टू कब तक बोला है, टू 31 मार्च, 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और रीपेमेंट ऑफ लोन व्हिच एवर इज अर्लियर। तो आपका रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ है यहां तक, नहीं हुआ है, लेकिन क्या खत्म हो गया, कंप्लीशन हो गया, कंप्लीशन खत्म हो गया है। तो कंप्लीशन खत्म होने का आगे का 31 मार्च कितना होगा, यहां पे ईयर कौन सा होगा ये आप बताइए, 21 होगा, क्योंकि इसका आगे में कितना आ रहा है, 31 मार्च 21। तो ये हो गया क्या आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका बाद में आपका क्या आ जाएगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, 1/4/21 से पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या मानने लगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन बोल के मानेंगे, 1/4 से यहाँ पर
31/3/21 तक क्या था, प्री कंस्ट्रक्शन था। यहाँ से 1/4 में हम लोग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हम लोग इस डेफिनेशन के कारण 1/4/2021 से जब भी ख़त्म होगा उसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोल के मानेंगे। प्रॉब्लम है डिडक्शन दोनों में ही मिलेगा, इंटरेस्ट है ना, आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन अभी आएगा आपको। इसमें क्या रहता है, 30,000 और 2 लाख का एक लिमिट रहता है, वो अभी आपको देखना है, ठीक है। अभी जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जितना भी आपका होता है उसको आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में चार्ज करना है। मतलब क्या हो गया, आपने घर बना लिया, घर बनाने का साथ में क्या आपको पकड़ लीजिए आप ये कौन सा साल में है, ये 2021 में है, आप ख़त्म कौन सा ईयर में क्या है, 21/22 में ख़त्म किया है। तो आप जब 2021 का रिटर्न भरने जाएंगे आपको क्या मानना है, इनकम टैक्स का रिटर्न मानना है। तो आपको इस साल में क्या आपको इंटरेस्ट चार्ज हुआ है या नहीं हुआ, 2021 में चार्ज हुआ है इंटरेस्ट, तो उस साल में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का बाद में ही आपको ये सब चीज इंटरेस्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब क्या है, इस साल में आपको कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कौन सा ईयर से मिलेगा, 21/22 से मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट अगर यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, 1 लाख का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड करना है, आपको पहला साल में कितना डिडक्शन मिलेगा, 20,000, नेक्स्ट ईयर में फिर से 20,000, नेक्स्ट ईयर में फिर से 20,000। ये जो लिमिट है और ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट में यही आपका लिमिटेशंस है। समझ में आया, पोस्ट कंस्ट्रक्शन में मतलब आपको 20,000 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ आप लोग को एक बार देख के आना है।